हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट एडमिटेंस वाई ई क्यू ऑफ द सर्किट। वाई इक्विवेलेंट हमें निकालना, यानी एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, वन अपॉन जेड इक्विवेलेंट। ठीक है, किसके इक्वल होगा वाई इक्विवेलेंट? वन अपॉन जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट मतलब इम्पिडेंस। इसका अगर मैं यहाँ से इम्पिडेंस निकाल लूँ और उसका क्या कर दूँ, वन अपॉन कर दूँ, तो वो क्या आ जाएगा हमारा वाई इक्विवेलेंट। तो हम जेड इक्विवेलेंट पहले यहाँ से फाइंड करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, जो भी हमारा रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस है, वो किस में देखा? साइमन में देखा, एस फॉर साइमन। ठीक है, साइमन यानी मो, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल। तो इसको जब मैं उस चेंज करूंगा रेजिस्टेंस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन में करना पड़ेगा। मैं इसका दोबारा सर्किट बनाता हूं, तो क्या कैसा ये दिखेगा। इसका दोबारा सर्किट बनाते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम इसको उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओम्स में चेंज करो इसको। इसको करो 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इसको ओम में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 0.25 ओम। इसको करो 1/-j2, किसके इक्वल होगा? ऊपर j हो जाएगा 0.5। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 1/j1, किसके इक्वल होगा? ये -j1 के। ऐसे ये कितना हो जाएगा, -j3, किसके इक्वल हो जाएगा? j/3 के। ठीक है, ये ओम्स में, सब ये ओम में, ये ओम में, ये कितना हो जाएगा 1s है। तो इसका करेंगे, करो इसका 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी 1 ओम। ये आ गया 1 ओम। इसका कितना हो जाएगा, ये 1/j5। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल करना, ये हो जाएगा -j 0.2, और इसका हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 ओम। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जेड इक्विवेलेंट। अब देखो, रेजिस्टेंस में ओम में चेंज हो गया सब। अब यहाँ पे देखो, ये और ये वाले जो इम्पिडेंस है सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो इन दोनों का सीरीज कितना होगा, 0.25 + 0.5। ठीक है, तो इन दोनों का, ये दोनों क्या, मैं यहाँ पे देखो इसमें बना दे रहा हूँ, इन दोनों का कितना होगा, ये 0.25 सीरीज में ऐड हो जाते हैं इम्पिडेंस, 0.5 ओम। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में कौन, -j1। तो इसका इसका मैं निकाल रहा हूँ, देखो ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। अगर दो इम्पिडेंस पैरेलल में हो तो उनका कितना होता, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको, मैं बोलता हूँ z1। ठीक है, z1 क्या होगा, किसका, -j1 का पैरेलल विद 0.25 + j 0.5। इसका पैरेलल करो, -j1 multiply by 0.25 + j 0.5 upon -j 0.25 + j 0.5। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। तो z1 कितना आ जाएगा, माइनस जे के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -j 0.25, और ये कितना हो जाएगा, -j2, यानी j2 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा +0.5। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 0.25, और ये कितना बचेगा, माइनस का j 0.5। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, 0.25 से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -j, और यहाँ पर बचेगा कितना, 2। ठीक है, 0.25 से इसको मैं डिवाइड करूँ, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर बचेगा ये 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये j2। तो ये कितना आ गया, 2 - j। मैं क्या करता हूँ इसका, इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। ठीक है, 2 - j 1 - j 2, मैं क्या करूँगा, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दूंगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2j4 - j, और इसका हो जाएगा -2j2, वो कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, j2 की वैल्यू -1, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -j2 - 4, यानी j2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी 1 + 4, वो कितना हो जाएगा, 5।
जे वन कितना आ गया यहाँ से, 4 + J3/5, 5 का डिवाइड करो 0.8 + J 0.6, तो जेड वन आ चुका है। ठीक है, जेड वन जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सीरीज। ठीक है, जेड वन ये और ये तीनों सीरीज में होंगे। मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ सर्किट को, देखो किस टाइप का दिखेगा। जेड वन आ चुका है, जेड वन को मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जेड वन की वैल्यू कितना आई है, 0.8 + J 0.6। यहाँ पे ये कितना देखा, J/3, ये दे रखा 1, ये सब ओम में। ठीक है, और ये कितना, -J 0.2 ओम, और ये 0.5 ओम। हमें यहाँ से निकालना क्या, जेड इक्विवेलेंट। अब देखो ये तीनों किस में, सीरीज में। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको मैंने बोला Z2, तो Z2 कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आराम से। देखो यहाँ से Z2 कितना आ जाएगा, 1 + J/3 + 0.8 + J 0.6। ये कितना आ जाएगा, 1.8 + ये हो जाएगा कितना, 2.8/3। ठीक है, इतना जे। ठीक है, अब देखो यहां तक आ चुका, इसके बाद ये क्या होगा, -J2 के साथ ये किस में होगा, पैरेलल में। उसके बाद फिर 0.5 क्या होगा, सीरीज में। तो अब यहाँ पे देखो मैं जेड इक्विवेलेंट की डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ, क्या क्या होगा, Z2 इसके पैरेलल में होगा, यानी -J 0.2 पैरेलल है किसके, किसके, 1.8 J 2.8/3 के। ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल में, उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में, 0.5। दो रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है, सॉरी पैरेलल में। इन दोनों को जैसे मैंने ऊपर अभी पिछले वाले स्टेप किया, इसको सेम स्टेप फॉलो करना। तो ये इन दोनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू आएगी मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो कितना आएगा, ये 0.56 - J 1.08 5.4 + J 2.2 + 0.5। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करो, तो जेड इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, आगे सोल्व करने पे 3.26, इसका एलसीएम लेंगे जब, 3.26 + J 0.02/5.4 J 2.2। ठीक है, इतने ओम। मैंने बताया था वाई इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 1/Z इक्विवेलेंट के। तो इसका नीचे वाला डिनोमेटर न्यूमेटर बन जाएगा, न्यूमेटर डिनोमेटर बन जाएगा, यानी 5.4 + J 2.2/3.26 J 0.02। ठीक है, इतना आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे अगेन, जैसे यहाँ पे किया था, तो ये सोल्व होकर आएगा पूरा 1.66 + J 0.66। ठीक है, इतने साइमन। वाई इक्विवेलेंट निकालने हैं तो साइमन में आएगा। ठीक है, तो देखो सोल्व होकर आ चुका। इस तरह से मैंने जैसे ऊपर स्टेप फॉलो किए थे, सेम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर लो या पोलर में चेंज करो, जैसे हम पिछले वाले वीडियो में करता है, ऐसे ही सेम को करना है। ठीक है, सेम काम करना। तो देखो वाई इक्विवेलेंट आ चुका 1.66 + J 0.66 साइमन, तो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए, इसके बाद एक छोटा सा काम है, होमवर्क है। ठीक है, ये जो पिक अभी ये फोटो दिखेगी, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आपको सोल्व करना है, और क्या करना है, कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।